की छुट्टी गई है तो हमारा एक दाखला रह गया था। आज हम दाखला नंबर 14 में दाखला करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम दाखला करना स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पर रकम पढ़ूंगी, सवाल पढ़ूंगी और उसके बाद हम दाखले की एंट्री स्टार्ट कर देंगे। निचला व्यवहार करके सोनम बैंक का ऋण खाने वाले रुपये में तैयार करो। जो कि सोनम बैंक का तारीख दी हुई है 2 फरवरी 2016 का कि खाने वाला रुपये में हेडिंग दे दी है मैंने। और यहाँ पर मैंने पिछले बार आपको बताया था कि तीन खाने वाला जो रिक्वायरमेंट होता है उसमें टोटल 14 कॉलम बनती है। सबसे पहले जो हर बार बनती है तारीख की कॉलम, आय बाजू, वाउचर नंबर, खाते का पाना नंबर, ये 4 कॉलम हो गई। उसके बाद जमा बाजू पर भी तारीख की कॉलम, व्यय बाजू, पहुंच नंबर और खाते का पाना नंबर, उसके बाद जो भी कॉलम है वो कॉलम बन जाएगी। जैसे कि छूट और नकद है, जैसे कि रुकड़ और नकद और बैंक है, जैसे कि दो बैंक की कॉलम है, जैसे कि छूट नकद और बैंक तीनों तीन की कॉलम है। अभी हमारे को यहाँ पर तीन खाने वाला रिक्वायरमेंट यानी छूट की कॉलम, नकद की कॉलम और बैंक की कॉलम, तीन खाने वाला रिक्वायरमेंट बनाने को बोला गया है। इसके बाद जो हमारा दाखला है उसमें भी तीन खाने वाला रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो दाखला है उसमें दो खाने वाला रिक्वायरमेंट है। तो टोटल अभी हमारे दो दाखले और बाकी है। तो मैं ऐसा सोच रही हूँ आप 16वां दाखला अपने आप से करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिलहाल हम 15वां दाखला आप खुद करें। 14वां दाखला अभी हम करने वाले हैं। 2016 डायरेक्ट एंट्री में हम स्टार्ट करेंगे। 2016 नकद सीमक की बाकी आगे डायरेक्ट नकद सीमक दिया हुआ है 16,000, नकद की कॉलम में लिखेंगे हम 16,000। तारीख बाकी आगे का है, चलो अभी दोनों की एक ही इसमें एंट्री कर देते हैं। एक ही कॉलम में 16,000 और यहाँ पर बैंक की कॉलम में 18,000। अलग अलग एंट्री करेंगे फिर भी और साथ में लिखेंगे एक ही लिखा जाएगा। 4 तारीख 8,000 श्री अशोक भाई ने बेची, चलो माल बेचा है तो पैसा आया होगा घर बाजू पर बेचान खाते। 8,000 का माल आया है एन ई एफ टी द्वारा बैंक में नाना छुप गया, पैसे बैंक में गए हैं तो हम 8,000 बैंक की कॉलम में लिख देंगे। 6 तारीख 6,000 का माल ऊपर बैठा हुए वेतन ने रुपड़े की बेचो, 6,000 का माल बेचान खाते वापस से एंट्री। फरोख के खाते में 10,000 का माल 10% छूट से यानी 1,000 की पूरे पूरी छूट। नकद में माल बेचा है तो नकद की कॉलम में 9,000 रुपये, 1,000 रुपये की पूरे पूरी छूट। ये छूट नकद छूट है इसलिए हम नकद छूट की कॉलम में यहाँ पर एंट्री करेंगे। व्यापारी छूट होती तो यहाँ पर एंट्री नहीं होती। 9 तारीख 9,000 में माँ भरिया, 9 तारीख बैंक में नकद आई है तो यहाँ पर कितना भरा है 3,000, यहाँ पर डबल एंट्री होगी। 9 तारीख में यहाँ पर एक एंट्री, बैंक में पैसा गया है, सामने वाले का नाम लिखा जाता है, कितना गया है 3,000 नकद की कॉलम, नकद चली गई हमारे पास से 3,000 रुपये। अभी हमारा 11 तारीख का व्यवहार, जीवन बीमा प्रीमियम ने 2,000 NEFT द्वारा चुकविया अने बैंके 3 चार्ज ना वसूली लीधा। जीवन बीमा प्रीमियम, प्रीमियम आग का प्रीमियम, माल का प्रीमियम, दुकान का प्रीमियम, गोडाउन का प्रीमियम, ऐसा कई तरह के प्रीमियम होते हैं, कई तरह के इंश्योरेंस होते हैं जो हम अपनी सेफ्टी के लिए लेते हैं। लेकिन जीवन बीमा प्रीमियम यानी लाइफ इंश्योरेंस, धंधे का प्रीमियम लिया हुआ हो तो उसको भरना हमारी फर्ज है कारोबार के पैसे में से। लेकिन हमें हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की जिंदगी के लिए जो प्रीमियम लिया है ये हमारा पर्सनल हो गया तो ये कारोबार में से चुकाना नहीं चाहिए था। हमारा पर्सनल बीमा प्रीमियम है, अगर हमको कुछ होगा तो हमारे धंधे को पैसा नहीं मिलेगा। अगर हमको कुछ भी होता है तो इंश्योरेंस हमारे फैमिली को मिलेगा, हमारे घर पे मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो कारोबार का नहीं है, हमारा अपना है। तो यहाँ पर जिंदगी का जो प्रीमियम है, जो इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम है वो पार कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर 11 तारीख के व्यवहार में यहाँ पर लिखेंगे उपाड़ खाते कितना प्रीमियम
13 तारीख को सॉरी 14 तारीख को मजदूरी के चुकाए मजदूरी ना चुका गया मजदूरी के खाते में 2000। 17 तारीख रोकड़ खरीदी की पैसा गया कितना गया 1000 नकद खरीदी यानी नकद गई है। इसी तरह 17 तारीख में फरोख भी हुआ है रोकड़ बेचा फरोख के खाते में नकद की कोलम में क्योंकि नकद का व्यवहार हुआ है 3000 नकद की कोलम में 3000। अब उसके बाद 19 तारीख 2500 डिविडेंड ना बैंक के एनईएफटी द्वारा जमा कर लिया जी 2500 डिविडेंड ना बैंक के एनईएफटी द्वारा जमा कर लिया जी बैंक ने जमा किए तो हम क्या करेंगे हम उधार करेंगे बैंक डिविडेंड खाते 2500 बैंक ने जमा किए बैंक की कॉलम में 2500। इसके आगे 2100 कमीशन ना चुकवाया गया 2100 तारीख कमीशन खाते 1200 चुकाए हैं यहाँ पर भी कोई जिक्र नहीं है हम नकद की कॉलम में लिखेंगे 1200 रुपये। 23 आग ना बीमा प्रीमियम ना भरवा 2500 एनईएफटी द्वारा चुका गया छे अने बैंक के बे चार्ज ना वसूल कर लिया सेम वैसा ही व्यवहार जैसे 11वां था। अब यहाँ पर जो आपका प्रीमियम है ये हमारे कारोबार का हो सकता है तो हम यहाँ पर उपाय नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हमारे कारोबार का हो सकता है। आपका बीमा प्रीमियम खाते 2500 बैंक की कॉलम में 2500 और यहाँ पर 23 तारीख को एनईएफटी का चार्ज कितने रुपये का चार्ज हुआ यहाँ पर चार्ज हुआ यहाँ पर 2 रुपये का। बैंक के बैंक ब्याज ना 200 अने कमीशन ना 200 आपड़ा खाते बैंक के एनईएफटी की जमा करेल छे तो यहाँ पर एनईएफटी से जो जमा हुए हैं हम अपने खाते में उधार करेंगे। जो बैंक जमा करती है हम उसको उधार करते हैं जो उधार करती है हम उसको जमा करते हैं यहाँ पर लिखेंगे बैंक ब्याज बैंक के सूद के खाते में और 25 तारीख पर दूसरा व्यवहार है बैंक कमीशन के खाते में। एक में आएगा दोनों 200-200 रुपये दिए हैं 200 रुपये यहाँ पर भी 200 रुपये बैंक के अपरावर्ती वाहन लोनो हफ्तों 12000 एनईएफटी द्वारा चुकवी आपको बैंक के 3 चार्ज ना वसूल करी 28 तारीख वाहन कोई भी कार है या फिर बाइक है हम लोन पर लेते हैं बैंक ने उसका हफ्ता हमारी ओर से चुकाया है कितना चुकाया है 12000 रुपये चुकाया है और उसका चार्ज हमारे पास से लिया है 2 रुपये। एनईएफटी चार्ज खाते 3 रुपये लिया है सॉरी 3 रुपये हमारे पास से इसने चार्ज लिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने सारी एंट्री कर दी है बाकी निकालनी बाकी है तो अभी तक मैंने हर दाखिले की बाकी निकाल कर आपको बताई है देखो इस तरह से बाकी निकाली जाती है ठीक है इस तरह से बाकी निकाली जाती है मैंने हर बार आपको बताया है इस बार बाकी आपको निकालनी है बाकी किस तरह से निकाली जाती है यहाँ पर रोकड़ के खाते में रोकड़ की एंट्री यहाँ पर 3000 होगी रोकड़ के खाते में बैंक की कॉलम में एंट्री होती है और यहाँ पर है बैंक के खाते में रोकड़ की कॉलम में एंट्री होती है रोकड़ के खाते में बैंक की कॉलम में एंट्री होगी बैंक के खाते में रोकड़ की कॉलम में एंट्री होगी। हर बार मैंने यहाँ पर आपको बताया है बाकी निकालना अब आपको खुद निकालनी है उधर बाजू में से जमा बाजू माइनस करो जहाँ पर टोटल कम होगा वहीं पर एड करके बाकी लिख देना। उधार बाजू पे टोटल कम है जमा बाजू पर ज़्यादा है तो दोनों का टोटल सरफा करने के लिए जैसे कि अभी आप पर समझो कि हमारे पास एक ग्लास में 4 मार्बल्स है 4 जो आप मतलब गोली बोलते हैं 4 मार्बल्स है और दूसरे में है 2 मार्बल। अब हमारे को तीनों में सरफा करना है दोनों में सरफा करना है तो हम क्या करेंगे 3 इधर रखेंगे चौथा एक नंबर उठा के इधर रख देंगे दोनों को इक्वल कर देंगे
इसी तरह यहाँ पर भी बाकी निकाली जाती है, जैसे यहाँ पर उधार बाजू की कॉलम ज्यादा है, जमा बाजू की कॉलम कम है, तो अब यहाँ पर जितना यहाँ पर टोटल है उससे यहाँ पर टोटल माइनस करो, जितना पैसा कम है उसको वहां पर लिख दो तो बाकी आ जाएगी। एज इट इज यहाँ पर जमा बाजू का टोटल ज्यादा है और उधार बाजू का अगर कम है तो जितना उसमें से उसको माइनस करो, जमा में से उधार को माइनस करो, जितनी भी रकम की घट कमी आ रही है उसको जहां कमी आ रही है वहां पर लिख दो, बाकी आ जाएगी। इस तरह हमको यहाँ पर बाकी निकालनी है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको रोकड़ के बटाव कूपन के सारे दाखले समझ में आए होंगे। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट के जो दो दाखले हैं वो आप खुद ही करें, क्योंकि एक तीन खाने वाला रोकड़ में है और एक दो खाने वाला रोकड़ में है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दो दाखले आप अपने आप से करेंगे। अभी तक के मैंने सारे दाखले यहाँ पर करा दिए है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम खास आमदन चैप्टर नंबर 7 खत्म हुआ है हमारा, चैप्टर नंबर 8 आठवां जो चैप्टर आप शुरू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड में, खास रोजनामा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।